पहला क्वेश्चन है, लिस्ट एंड टेबल ऑफ वैल्यूज आर स्टोर्ड इन, एक अपने पास टेबल है, टेबल्स हैं, सारणियां हैं, तो इनकी वैल्यूज या कोई लिस्ट है उसकी वैल्यूज हम किस में स्टोर करते हैं, तो वो वैल्यूज हम एरेज में स्टोर करते हैं। द नंबर यूज टू रेफर टू ए पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड इट्स, किसी एरे का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उस एलिमेंट के उस नंबर को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ए शुड बी यूज टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ एरे बिकॉज इट मेक्स द प्रोग्राम मोर स्केलेबल, प्रोग्राम को और ज़्यादा स्केलेबल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स काम में लेने चाहिए, जो हैस डिफाइन सबस्क्रिप्ट से हम काम में लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन ऑर्डर कॉल्ड द एरे, वो प्रोसेस क्या कहलाती है जिसमें हम किसी एरे के एलिमेंट्स को किसी ऑर्डर में लगा देते हैं, तो ये सॉर्टिंग कहलाती है। डिटरमाइनिंग वेदर एन एरे कॉन्टेंट्स ए सर्टेन की वैल्यू इज कॉल्ड द एरे, कोई एरे है उसमें, डिटरमाइनिंग वेदर एन एरे कॉन्टेंट्स ए सर्टेन की वैल्यू, डिटरमाइनिंग वेदर एन एरे कॉन्टेंट्स ए सर्टेन की वैल्यू इज कॉल्ड, कोई एरे है उसमें हमें कोई इनपुट वैल्यू दी गई है और हमें देखना है वो उस एरे में है या नहीं है, तो इस देखने को क्या कहते हैं, तो इसको हम सर्चिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरे दैट यूजेस टू स्क्रिप्ट्स इज रेफर्ड टू एज एरे, कोई एरे है उसमें दो सबस्क्रिप्ट काम में ली गई हैं, तो उसको हम किस तरह की एरे कहते हैं, तो उसको हम डबल सब्सक्रिप्टेड एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। सी सॉर्ट्स लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन, सी है प्रोग्रामिंग में स्टोर लिस्ट ऑफ वैल्यूज, अपने पास वैल्यूज की लिस्ट है उसको किस में स्टोर करता है, तो उसको एरे में स्टोर करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर रिलेटेड बाय द फैक्ट दैट दे, कोई एरे है उसके एलिमेंट्स किस फैक्ट से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो वो सब सेम नाम शेयर करते हैं और सेम टाइप के होते हैं, मतलब कोई एरे है उसमें सभी एलिमेंट्स का नाम सेम होता है, सिर्फ सब स्क्रिप्ट चेंज होती है, दूसरा है उनका टाइप सेम होता है, मतलब या तो सारे इंटीजर हैं, सारे फ्लोट हैं, या सारे करेक्टर हैं, या सारे डबल हैं, सारे एलिमेंट्स एक ही तरह के होते हैं, डाटा टाइप एक ही होता है। When referring to an array element, the position number contained within the square bracket is called, कोई हम array की जब बात कर रहे हैं तो उसके आगे बड़े कोष्ठक में square bracket में जो number लिखा होता है, position number लिखा होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम subscript कहते हैं। The names of the five elements of array P are, एक पांच element की array है जिसका नाम P है, तो वो elements के name क्या क्या होंगे, तो उनका एलिमेंट्स का नाम P0, पी स्क्वायर ब्रैकेट में 1, पी स्क्वायर ब्रैकेट में 2, पी स्क्वायर ब्रैकेट में 3 एंड पी स्क्वायर ब्रैकेट में 4 होगा। द कंटेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड ऑफ द दैट एलिमेंट, किसी एरे है उसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में क्या सामग्री है उसको हम क्या कह सकते हैं, तो उसको हम उस एलिमेंट की वैल्यू कहते हैं। नेमिंग एन एरे स्टेटिंग इट्स टाइप एंड स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज कॉल्ड, एक एरे है उसका नाम है उसमें उसका टाइप हम बता देते हैं किस टाइप की है, इंटीजर फ्लोट किस टाइप की है, और उसके साथ हम बता देते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको एरे की डेफिनेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इनटू आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड,
कोई एरे है उसको आरोही या अवरोही क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाए, तो उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। ए डबल सबस्क्रिप्टेड एरे द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट आइडेंटिफाइज द ऑफ एन एलिमेंट एंड द सेकंड सबस्क्रिप्ट आइडेंटिफाइज द ऑफ एन एलिमेंट। वो डबल सबस्क्रिप्टेड एरे है उसमें जो परिपाटी है उसके अनुसार पहले सबस्क्रिप्ट को क्या कहते, पहले और दूसरे जो सबस्क्रिप्ट आइडेंटिफाई है उनको क्या कहते हैं, तो पहले वाले को रो नंबर कहते हैं, दूसरे वाले को कॉलम नंबर कहते हैं। एक एम बाई एन की एरे है उसमें रो कितनी होंगी, कॉलम कितने होंगे और टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो एम बाई एन की एरे में एम पंक्तियाँ होंगी, एन कॉलम होंगे और एम बाई एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। द नेम ऑफ द एलिमेंट इन रो वन रो थ्री एंड कॉलम फाइव ऑफ एरे डी इज, कोई एरे है उसके तीसरे पंक्ति और पांचवें स्तंभ के का जो एलिमेंट है डी उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको डी टू फोर लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट है एन एरे कैन स्टोर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज, एक एरे है उसमें कई तरह के वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, मतलब जैसे एक एरे है उसमें इंटीजर डबल फ्लोट किसी भी तरह की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं अलग अलग जगह, तो ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्यों फॉल्स है, तो एन एरे कैन स्टोर ओनली वैल्यूज ऑफ सेम टाइप, किसी एक एरे में हम सेम डाटा टाइप की वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं अलग अलग नहीं कर सकते। एन एरे सबस्क्रिप्ट कैन बी ऑफ डाटा टाइप डबल, एन एरे सबस्क्रिप्ट कैन बी ऑफ डाटा टाइप डबल, कोई एरे है उसकी सबस्क्रिप्ट डबल डाटा टाइप की हो सकती है, ये भी कथन असत्य है, क्योंकि एक एरे है उसमें सिर्फ इंटीजर या इंटीजर एक्सप्रेशन टाइप की सबस्क्रिप्ट ही हो सकती है। नेक्स्ट है इफ देर आर फ्यूअर इनिशियलाइजर्स इन एन इनिशियलाइजर लिस्ट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे सी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेस द रिमेनिंग एलिमेंट्स टू द लास्ट वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ इनिशियलाइजर्स। क्या ऐसा होता है कि एक एरे है उसमें हमने जब इनिशियलाइज किया तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने इनिशियल वैल्यूज हमने नहीं दी, तो जो बच गए बाद में उन एलिमेंट्स की वैल्यू वो ऑटोमेटिकली जो लास्ट वाली वैल्यू है वो लिख लेगा, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको वो जीरो सेट करता है। इट्स एन एरर टू इनिशियलाइजर लिस्ट कॉन्टेंट्स मोर इनिशियलाइजर्स देन देयर इज एलिमेंट्स इन द एरे, यदि कोई एरे है उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने डेफिनेशन में दिए हैं उससे ज़्यादा यदि इनिशियल वैल्यू दे देते हैं तो ये एक एरर मैसेज एरर होती है, त्रुटि होती है। हाँ, ये एक त्रुटि होती है। एन इंडिविजुअल एरे एलिमेंट दैट्स पास्ड टू ए फंक्शन एज एन आर्गुमेंट ऑफ द फॉर्म ए आई एंड मॉडिफाइड इन द कॉल्ड फंक्शन विल कॉन्टेन द मॉडिफाइड वैल्यू इन द कॉलिंग फंक्शन। एक एरे है इंडिविजुअल, उसका एक एलिमेंट है ए आई, यदि इस फंक्शन को इस वैल्यू को किसी फंक्शन में भेजा जाता है जो इस वैल्यू को वहाँ फंक्शन में चेंज करता है, वहाँ जो फंक्शन है उसमें एक वैल्यू के रूप में भेजा जाता है, वहाँ कैलकुलेशन में वो उस वैल्यू को चेंज कर देता है, तो क्या ये मॉडिफाइड एरे जो एरे है उसमें भी ये एलिमेंट मॉडिफाई हो जाएगा? नहीं, ये मॉडिफाई नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट जब भेजा जाता है तो इसको पास्ड बाई वैल्यू बोलते हैं, उसमें वो लोकेशन नहीं जाती कि ये एलिमेंट की लोकेशन क्या है, सिर्फ वैल्यू जाती है और उस पर्टिकुलर फंक्शन में वो किसी और लोकेशन पे वो वैल्यू स्टोर हो जाती है, इसलिए ओरिजिनल जो एरे है उसमें इस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आता है। टू रेफर टू ए पर्टिकुलर लोकेशन और एलिमेंट विद इन एन एरे वी स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे एंड द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। तो हम कोई लोकेशन देखनी है हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन या कोई एलिमेंट है
कोई एरे में, तो हमें उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन, उसकी विशेष जगह कौन सी है वो बतानी है, तो हम एरे का नाम और उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू बता देते हैं। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा वेरिएबल्स की सेम वैल्यू हो सकती है। एक एरे में एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी वैल्यू सेम है, इसलिए हम वो नहीं बताते। पोजीशन बताने के लिए हमें पोजीशन नंबर बताना होता है, वैल्यू नहीं। एन एरे डेफिनेशन रिजर्व्स स्पेस फॉर द एरे। एरे की एरे को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो मेमोरी लोकेशन पे पर्टिकुलर स्पेस रिजर्व कर लेता है, पहले से बुक कर लेता है कि यहाँ पर स्टोर होगी। यस दैट्स ट्रू, ये सत्य है। टू इंडिकेट दैट 100 लोकेशंस शुड बी रिजर्व फॉर इंटीजर एरे पी, राइट पी स्क्वायर ब्रैकेट में 100। एक हमें एरे है उसमें 100 लोकेशंस को रिजर्व करना है इंटीजर टाइप की एरे को, तो क्या हम उसको पी और स्क्वायर ब्रैकेट में 100 लिखेंगे? हाँ ऐसा ही लिखेंगे। ए सी प्रोग्राम दैट इनिशलाइजेज द एलिमेंट्स ऑफ ए 15 एलिमेंट एरे टू 0 मस्ट कॉन्टेन 1 फॉर स्टेटमेंट। एक एरे है जिसमें 15 एलिमेंट हैं और सबको हमें 0 करना है, तो उसके लिए हमें क्या एक फॉर स्टेटमेंट देना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए हमें फॉर स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मजला कोष्ठक के अंदर 0 लिख देंगे जब डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ इक्वल टू लगा कर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 लिख देंगे, तो सारे 15 एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ए सी प्रोग्राम दैट टोटल्स द एलिमेंट्स ऑफ ए डबल स्क्रिप्टेड एरे मस्ट कॉन्टेन नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट्स। एक सी प्रोग्राम है जिसमें हमें एक डबल सबस्क्रिप्टेड एरे है उसके सभी एलिमेंट्स को का सम करना है या उनको सबको ऐड करना है, तो हमें 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे, नेस्टेड फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। क्या ये कथन सत्य है? हाँ ये कथन सत्य है। द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वैल्यूज आर 5, 6 and 7 रेस्पेक्टिवली। नंबर्स हैं 1, 2, 5, 6, 7, 7, 7। ये नंबर हैं, इनका मीन 5 है, मीडियन 6 है और मोड 7 है। क्या ये कथन सत्य है? तो पहले हम टोटल करके देखें, 2 + 1 = 3, 3 + 5 = 8, 8 + 6 = 14, and 14 + 7 = 21, + 7 = 28, + 7 = 35, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है, तो 35 upon 7 = 5। तो इनका मीन 5 है, सही है, मीडियन 6 है, तो 3 एलिमेंट लेफ्ट में 3 राइट में छोड़ें तो मिडल एलिमेंट 6 मिलता है, तो मीडियन 6 है, और इसमें रिपीटेशन सबसे ज़्यादा 7 का हुआ है, तो मॉड 7 है। इसका मतलब ये कथन सत्य है।